वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल, चवर शतर तख्त दे मालक, लोक परलोक सहायक कुल आलम दो जहान वालिए। तन तन साहिब श्री गुरु, शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे। अज अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी अमृतसर तो आए। मुख पावन वाक सोरठ राग दे अंदर, पंचम नानक साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे मुखार बिंद तो उचारण किते हुए। शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन अंग 616 ते सुभायमान हन। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जियो, अखरी विचार मुख पावन वाक दे अखरी विचार आरंभ करन तो पहले आओ, गुरु चरणा दे अंदर हाजरियां लवाइए। शीस झुका दोवें हाथ जोड़ प्यार सहित आखिए जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु खालसा साध संगत जियो, आओ रल के गुरु शब्द दी टेक लैंदियां होइयां शब्द दी विचार नाल जुड़न दा यतन करिए, ते मन दी एकाग्रता दे नाल आए हुए मुख पावन वाक दी विचार श्रवण करन दा यतन करिए जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सोरठ महला पंजवा, माया मोह मगन अंधियारे, देवन हार ना जाने। माया मोह मगन अंधियारे, देवन हार ना जाने। तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज, अज दे पावन मुख वाक दे राही सानू उपदेश बख्शिश करते हैं कि माया मोह मगन अंधियारा, देवन हार ना जाने। मनुख माया दे मोह दे विच हनेरे दे विच मस्त रह के सब दाता देन वाले प्रभु दे नाल डूंगी सांझ नू नहीं पाउंदा। जीव माया दे चक्कर विच इन्ना क डिग जांदा है, गर्क हो जांदा है कि आत्मिक हनेरे दे विच ही मस्त रहिंदा है। देवन हार ना जाने, माया दे गुण माया दे मोह दियां गल्लां करदा है, पर सब दाता देन वाले प्रभु दे नाल ए जीव डूंगी सांझ नहीं पाउंदा, उस वाहिगुरु नू याद नहीं करदा, उस दा शुकर नहीं करदा जिस ने सारियां दातां दित्तियां हन। जियो पेंड साज जिन रचिया, बल अपनो कर माना। जियो पेंड साज जिन रचिया, बल अपनो कर माना। जिस परमात्मा ने ये शरीर जिंद बना के जीव नू पैदा किया होया है, उस नू भुला के अपनी ताकत नू ही वड्डी समझदा है। साइंसदान अज अनेक तरह दीआं खोजां कर करके अपने आप नू अकाल पुरख की शक्ति तो बेमुख हो के वड्डा समझते हैं कि असी वड्डे हाँ, पर यह गल भुल जाते हैं कि जिसने सानू बनाया है, जिसने सानू साइंस की समझ दिती है, वो सब तो वड्डा है। पर अपने अकल दे मन दे मगर लग के अपनी ताकत नू साइंस की ताकत नू ही वड्डा समझते हैं। उस बनाउण हारे रचन हारे परमात्मा नू भुला देंदे हैं।
महाराज बख्शिश करते हैं कि जियो पेंड जिन साज निवाजिया, जियो पेंड साज जिन रचिया, बल अपनो कर मन। उस वाहेगुरु परमात्मा ने तेनु सोना श्री जिंद बना के पैदा किया है, पर दुनिया विच आने ते सारा कुछ भुल जाता है, साइंस नू अगे रख लैंदा है। साइंस ने इन्नी कु तरक्की तां कीती है कि जिंद नू बना सकता है, शरीर बिल्कुल बिल हूब हू परमात्मा दे वर्गा तैयार कर सकता है, परंतु साइंस विच इन्नी ताकत नहीं कि परमात्मा दे बनाए हुए जीवां दी तरह उन्हां विच जिंद जान नू भी फूक सके। सो महाराज ही बख्शिश करते हैं, बल अपनों कर मन, अपनी ताकत नू ही ये जीव वड्डी समझदा है ते उस रचनहारे प्रभु नू भला बिंदा है। मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी, महाराज रहाओ वाली पंक्ति दे अंदर बख्शिश करते हैं। मन मूड़े हे मूर्ख मन, देख रहे हो प्रभ स्वामी, मालिक प्रभु तेरियां सारियां करतूतां नू चलाकियां नू हर वेले वेख रहा है। जो किश करे सोई कर जाने, जो किश करे सोई सोई जाने, रहे न कछु शानी रहाओ। तू जो कुछ भी करदा है मालिक प्रभु ओही ओही जान लेंदा है, भावें तू उस तो चोरी कर, भावें सामने कर, लोक के कर, जो मर्जी कर, पर ओ परमात्मा हर थां मौजूद होण करके, घट घट दी जानण हारा होण करके ओ सारा कुछ जानदा है। रहे न कछु ऐशानी, कोई भी तेरी करतूत उस दे पासों लुकी होई नहीं रह सकदी। जेहवा स्वाद लोभ मद मातो, उपजे अनेक विकारा। हे भाई, मनुख जीव दे मनुख आपदी जीबा दे स्वादा दे विच लोभ दे नशे दे विच मस्त रहिंदा है, जिस करके इस दे अंदर अनेकां ही विकार पैदा हो जांदे हन। अपनी रसना दे स्वादा कारण अपने मन दे मगर लग के नशे दे विच मलोभ दे हंकार दे नशे दे विच मस्त होण करके अनेकां तरां दे ये मनुख विकार करदा है, अनेकां तरां दे पाप करदा है। बहुत जौन परमत दुख पाया, हाउ मैं बंधन के पारा। बहुत जौन परमत दुख पाया, हाउ मैं बंधन के पारा। मनुख होमे दियां जंजीरां दे पार हेठ दब जांदा है, ते बहुत जूनां दे विच परमत भटकदा फिरदा है, ते दुखां नू दुख पाया दुखां नू सहारदा रहिंदा है। दे किवाड़ अनेक पर्दे मैं, परदारा संग फाका। महाराज बख्शिश करदे ने कि मोह माया दे हनेरे दे विच फसिया मनुख, दे किवाड़ अनेक पर्दे मैं, परदारा संग फाका। परदारा कहिंदे ने पराई इस्त्री नू, किवाड़ दरवाजे। महाराज कहिंदे माया दे मोह दे हनेरे विच फसिया मनुख दरवाजे बंद करके अनेका पर्दियां दे पिछे पराई इस्त्री दे नाल कुकर्म करदा है, पराई इस्त्री दे नाल कुकर्म करदा है। पर चित्र गुप्त जब लेखा मांग है, तब कौन पढ़दा तेरा टाका है। पर हे भाई, इस संसार दे विच लोका दिया नज़रां तो बचन दे लई तां तू अनेका तरां दे पर्दे कर लैना है, दरवाजे बंद कर लैना है,
ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ। ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਾ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਪੜਦੇ ਤੇਰੇ ਢਕੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਢਾਕ ਲਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਤਦੋਂ ਦੱਸ ਕੌਣ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ ਢਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੀ ਜਾਣਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਫਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੁੰਬ ਮਿਨ ਓਟ ਨਾ ਕਾਈ। ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੁਮ ਬਿਨ ਓਟ ਨਾ ਕਾਈ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪੂਰਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ, ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਮ ਬਿਨ ਓਟ ਨਾ ਕਾਈ। ਓਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ, ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਢ ਲਿਓ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਾਢ ਲਿਓ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।